एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज के जो हम सीएसएस की एडवांस प्रॉपर्टी को थ्रू करेंगे वो है सीएसएस ट्रांजिशन इफेक्ट। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। वन बाय वन हम विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इनको गो थ्रू करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं और हम इनसे क्या अचीव कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है और हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया। मैंने ऑलरेडी एक डिव सेट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने राइट डाउन किया हुआ ट्रांजिशन ट्यूटोरियल और फिर मैंने यहाँ पर उसको स्टाइल के एंड और स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन में मैंने विथ हाइट बैकग्राउंड कलर सेट किया। अगर आप अभी इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अब हम अपने ट्रांजिशन इफेक्ट की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि मैं कहूँ कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाए, क्लिक ना करे, सिर्फ जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाए तो फिर ये या तो एक्स एक्सिस पर इसकी ट्रांजिशन इफेक्ट्स बढ़ जाए या फिर ये इसकी जो वाई एक्सिस है हाइट बढ़ जाए। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। बट मेरा कर्सर जाए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम लिंक्स को ऐड करते हैं और जब भी हम अपने लिंक्स पर या किसी भी वर्ड पर कर्सर को लेकर जाके उसके कलर को चेंज करते हैं तो जो हम उसके अंदर टाइप जो है यूज़ करते हैं वो होती है होवर। यानी कि अगर अभी मैं कहूँ कि मैं डिफ यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये डिफ पर सेट हुआ हुआ है ना ट्रांजिशन ट्यूटोरियल, ये एक डिव है। तो मेरा कर्सर अगर इस डिफ पर जाए तो फिर चेंजेस आए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं यहाँ पे यूज करूंगी डिफ का सिलेक्टर अगेन कॉलन और एच ओवर यानी होवर। और यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। जब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए तो मैं इसको सिंपल सी बात ये कहूंगी कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाए तो इसकी विथ एक्स एक्सिस पर 300px बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको दे दी विथ 300px कंट्रोल एस। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जा रहा है तो ये 300px तक इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे यहाँ पर ट्रांजिशन डालना है यानी कि कुछ स्लो होकर यानी टाइमिंग डालनी है। तो मैं कैसे करूँगी? मैं यहाँ पर एक और वैल्यू दूंगी, प्रॉपर्टी दूंगी ट्रांजिशन देन कॉलन। अब मैंने इसको टाइम सबसे पहले मैं बताऊंगी मुझे कौन सा एक्सेस कवर करना है। मुझे एक्स एक्सेस कवर करना है, इट मींस मुझे विथ कवर करनी है। और मैं इसको टाइम दूंगी कि मुझे कितने सेकंड्स कवर करना है, 2 सेकंड, यानी कितनी ट्रांजिशन की स्पीड क्या होनी चाहिए। अब आप लोग देखिएगा, अभी देखें ये एकदम से यूं हो रहा था, अब मैं आपको रिडायरेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह। सो अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कॉमा लगाकर, यहाँ पर आप हाइट भी दे सकते हैं, हाइट दे दें और हाइट भी बता दें कि 2s तक हो, कंट्रोल s। अब देखिएगा इसकी हाइट भी बढ़ेगी। यहाँ पर हमने हाइट की ट्रांजिशन स्पीड तो दे दी और ये भी बता दिया हाइट में बढ़ना है, बट हमने ये नहीं बताया कि हाइट कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे कि हमने विद में बताया कि 300px तक विद इंक्रीज हो, तो यहाँ पर हम हाइट भी तो बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाइट दे दी 300। इसी तरह अब आप देखिएगा, ये देखिए ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस यानी विद और हाइट दोनों कवर कर रहा है जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर आप सिर्फ हाइट भी दे सकते हैं। अगर आप हाइट देंगे तो यहाँ पर से आपको विड्थ की कोई नीड नहीं होगी। ये देखिए अब सिर्फ वाई एक्सिस कवर हो रहा है। सो ये जो थी ये हमारी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कि हम हाइट दें, विड्थ दें या हाइट और विड्थ बोथ दें। और ये जो पहली हमारी प्रॉपर्टी थी वो थी ट्रांजिशन। सो यहाँ पर हमने अपने पास एक ट्रांजिशन को कवर कर लिया, दूसरी सेकंड हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को कवर कर लिया। एक होती है हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले इसकी टाइप देखें ईज, तो ये क्या करता है, स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन एंड स्लोली। यानी
ठीक है, इसका जो ट्रांजिशन स्पीड होगी वो स्लो स्टार्ट होगी, देन फास्ट हो जाएगी और देन आखिर में फिर से स्लो हो जाएगी। चलिए हम ईज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर सेम वही चीज़ें रही, ट्रांजिशन अपनी जगह पर रहेगा कि मैंने बता दिया, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। मैंने बोला यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और यहाँ मैंने इसको प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी ईज कॉलन टर्मिनेट लगा दिया। अब मैंने देखा तो आप देखिएगा कि ये हमारा स्टार्ट होगा स्लो, देन फास्ट, देन लास्ट में आखिर में स्लो एंड होगा। यहां पर मैं इसको हाइट विद दे देती हूँ। ये देखें, स्लो स्टार्ट हुआ, देन फास्ट, देन एंड में स्लो हो गया। नोट करिएगा आप लोग, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं नोट करेगा, स्लो स्टार्ट होगा, स्टार्ट स्लो होगा, देन जो है फास्ट, फिर स्लो हो जाएगा। ये देखिए, सही है। इसी तरह जो हमारी दूसरी टाइप है वो होती है लीनियर। लीनियर मीन्स के सेम स्पीड से ट्रांजिशन होगी। ये देखिए, अगर मैं यहां पर कह दूं लीनियर, ये देखिए सेम स्पीड। इसी तरह थर्ड टाइप है ईज इन। ईज इन में क्या होता है कि हमारा सिर्फ स्टार्ट स्लो होगा और ईज आउट में क्या होता है कि जो एंडिंग है वो स्लो होगी। ईज इन में क्या होता है, हमारा जो स्टार्ट है वो स्लो होगा, बाकी स्पीड सेम रहेगी। और ईज आउट में क्या होता है, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक सेम रहेगा बट जो एंडिंग है वो स्लो होगी। तो मैं आपको ईज इन करके दिखा देती हूँ, ईज आउट आप खुद इम्प्लीमेंट करूंगा। ये देखिए, स्टार्ट से लो था फिर एंडिंग में तेज हो गया। ये इसी तरह एक होता है ईज इन एंड आउट बोथ, यानी इसमें क्या होता है कि स्लो स्टार्ट और एंड, यानी कि वही ये दोनों चीजें एक में, अगर हम चाहें कि हम ईज इन और ईज आउट को अलग अलग क्यों लें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टार्टिंग जो है स्लो और एंडिंग स्लो, तो हम उसके लिए ईज इन एंड आउट भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी टाइप, विच इज ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का मकसद ये होता है कि मैं कहूँगी जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाए तो डिले होने के बाद ट्रांजिशन हो, यानी कि एक सेकंड के बाद हो या दो सेकंड के बाद। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको अभी लीनियर ही ले लेती हूँ। देन मैंने बोला ट्रांजिशन डिले और मैंने इसको टाइम बता दिया कि 2 सेकंड के बाद हो। अब देखिएगा, ये देखिए जब मैं इसके ऊपर फॉरन लेके गई, देखिए 2 सेकंड रुक का ट्रांजिशन हुई। अगेन कर्सर मेरा इसके ऊपर था, तो ये होती है ट्रांजिशन डिले की प्रॉपर्टी। इसी तरह आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास टाइप है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो प्रॉपर्टी है वो भी हम इसकी स्पीड के लिए यूज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं अपनी ट्रांजिशन पर। आप चाहें तो आप इस तरह भी स्पीड को दे सकते हैं और आप चाहें तो आप अलग से एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, विच इज ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और आप उसको स्पीड दे दें 5 सेकेंड या 1 सेकेंड की। ये देखिए, ये डिले आया इसके ऊपर, देन 1 सेकेंड तेज स्पीड में ये हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हम ट्रांजिशन की और कौन सी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जब हम ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकंड लेंगे, जब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी हो गई यूजलेस। या तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से एक, मतलब अगर हम ट्रांजिशन लगाएंगे तो हम इसी में बता रहे हैं कि हमारे पास विद है, विद में ये जो है ट्रांजिशन इफेक्ट है और हमने इसकी ड्यूरेशन भी दे दी। अगर हम इस प्रॉपर्टी को नहीं यूज करते तो हमने टाइम ड्यूरेशन तो बता दी, अब हम प्रॉपर्टी भी तो बताएंगे ना, यानी कि ट्रांजिशन, और मैं इसमें लूंगी कि मुझे विड्थ देनी है, हाइट देनी है।
लाइक दैट, या तो हम इस तरह दो सेंटेंसेस में बात करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विथ और ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, और अगर इस तरह दो में हमें वर्किंग नहीं करनी तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, ओनली ट्रांजिशन, और यहाँ पे मैंने बोल दिया विथ इस तरह। सो ये आपकी मर्जी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर्स, आप जिस तरह चाहें इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और आप इनकी प्रॉपर्टीज को अपने पास इम्प्लीमेंटेशन करके देखें। इंशाल्लाह अब हम अपने न्यू प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Get it on my head.